ये एक विशेष सूत्र आपने इस बार दिया, आज भी आपने कहा मारक भी तारक हो जाता है। सब ये जो आजकल क्या है, दर्शन को व्यवहार में जीवन उतारने की विधा का लोभ। प्रायः लोग की धारणा है कि दर्शन जो है प्रवचन के लिए है, उसका जीवन से या जगत की समस्या से के समाधान से कुछ लेना देना नहीं। भागवत आदि का भी कहाँ उपयोग हो रहा है? भागवत आदि का राष्ट्र संरचना में जीवन के उत्कर्ष में उपयोग हो तो जीवन और राष्ट्र की ही दुर्दशा हो। इसीलिए किसी को हम शत्रु मान लेते, किसी को मित्र मान लेते, किसी को मान लेते इसके कारण कष्ट है, ये सब पागलपन है। वो व्यवहार में उतारने की क्षमता लुप्त हो गई, आर्ष पद्धति से विद्या अध्ययन का क्रम ही लुप्त हो गया। तो मारक अवरोधक हमने वहाँ से लिया, श्रीमद अमृतानंद उपनिषद पर अभी हुआ था ना, शंकर भाषा गिरा टीका से 2 महीने पढ़ाया था, 4 मास में। 1 महीना तो केवल अश्वमेध पर चला, 1 महीना चला बौद्धों के कारणवाद पर उसके निराकरण के लिए, और फिर उसके बाद उसी में नैयायिकों के असत कार्यवाद का निराकरण करके सांख्यों के सत कारणवाद कार्यवाद को लेकर फिर विवर्तवाद पर। उसी से लगा कि शंकराचार्य जी ने कैसे मिट्टी में घट कैसे सन्निहित है, किस क्रम से उसको निकाला जाता है, इसका जो वर्णन किया है सत्कार्यवाद के प्रतिपादन में, उसका नाम ही घटभाष्य पड़ गया। घटभाष्य पड़ गया, लग दिया और बोल। तो उसी में है ये कि अवरोधक जिसको हम मानते हैं वो अभिव्यंजक होता है। जैसे स्थूल शरीर जो है वो बंधन में हेतु है, अवरोधक है, लेकिन वही अभिव्यंजक भी है। अन्नमय अन्नमय मनोमय कोष को लेकर के सत्ता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति है। अन्नमय प्राणमय मनोमय या अन्नमय प्राणमय की प्रधानता से, मनोमय विज्ञानमय की प्रधानता से चिंता की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजक संस्थान, आनंदमय कोष के दो फलात्मक और बीजात्मक जिससे आनंद की अभिव्यक्ति होती है, तो अवरोधक भी हैं और अभिव्यंजक भी। इसलिए कोष की हमने परिभाषा भगवत कृपा से निकाली, कोष की परिभाषा सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा निवधनंति महाबाहो देहे दहिन मव्ययम। आगे जो है तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक वनामयम सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम ये अभिव्यंजकता है, सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ ये क्या है? अवरोधकता है, निबंधकता है। तो जीवन मुक्त के जीवन में जो पंच कोष होते हैं वो अभिव्यंजक रह जाते हैं और अवरोधकता हट समाप्त हो जाती है, निबंधकता समाप्त हो जाती है। यही है जिसको हम अवरोधक समझते हैं। उदाहरण दिया हम, घट की उत्पत्ति एकाएक थोड़े होगी, मिट्टी में तो घट है, लेकिन जब मिट्टी से घट बनाने का उपक्रम करेंगे तो चूर्ण है, उसको गीला करके पिंड का रूप देंगे, पिंड को फिर कपाल का रूप देंगे, कपाल द्वय के संयोग से घट की निष्पत्ति होगी। पूर्व जो उधर आ रहे उधर, तो क्या हो गया? ये कारण भी तो कार्य का अवरोधक होता है, कार्य कारण का अवरोधक होता है, कार्य भी कारण का अवरोधक होता है। मृदघट को जब देखेंगे तो घट तो दिखाई पड़े, कारण का अवरोध हो गया, अवरोध हो गया, नाम रूप ने उसको ढक दिया। कोई कोई समझ पाएगा कि वास्तव में मृदघट है, कार्य कारण का अवरोधक हो जाता है, कारण कार्य का, लेकिन कार्य जो है वो अवरोधक होता हुआ अभिव्यंजक है या नहीं है? मृदघट जब कहेंगे तो मिट्टी उसका उपादान हुआ है, ताम्र पात्र। तो यही है, जो जो अवरोधक हम मानते हैं वही सब अभिव्यंजक होता है।
व्यवहार में हम दिखाते हैं बोलते हैं। जब स्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो हमने कहा आपको पसंद नहीं आता इसका मतलब थोड़े है कि हम साथ को छोड़ देंगे, आपके अपने स्वभाव है। हमने कहा कि नायम जनों में के आधार पर कहा था कि हमारे हृदय में जितना त्याग का तप का बल है या किसी के हृदय में, वो प्रतिकूल परिस्थिति ही तो अभिव्यंजक बनती है ना। कहाँ लिखा है, मैंने योग दर्शन से लिया इस पक्ष को, अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधौ वैरत्याग। तो अहिंसा की जब प्रतिष्ठा है किसी के जीवन में, मेरे जीवन में या किसी के जीवन में, तो हिंसक प्राणियों के चपेट में और मारने के लिए उद्यत जो व्यक्ति होंगे उन्हीं की विद्वानता में तो हमको पता चलेगा या किसी को पता चलेगा कि ये अहिंसक हैं। कोई गाली देने वाला नहीं होगा तो खामखा किससे लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो हिंसा के लिए उतारू हो जाए कोई, हिंसकों के बीच में हम रहें फिर भी हिंसा का भाव हमारे हृदय में न हो बल्कि उसके हृदय में हिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसे सत्य झूठ बोल करके बलि का चरित्र, झूठ बोल करके हम धन मान प्राण परजन की रक्षा कर सकते हैं, कहीं कहीं भीत भी है लेकिन बलि न करना, झूठ बोल के नहीं। भले ही इन्होंने वामन रूप से मांगा हो, अब विराट रूप से मांग रहे, गुरु के मना करने पर भी, भागवत में बड़ी विचित्र बात, दो ऋग्वेद की ऋचाएँ उद्धृत कर दी शुक्राचार्य ने, ऐसी परिस्थिति में बेटा धन बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। ऋग्वेद की दो ऋचाएँ तो गुरु और ग्रंथ एक और हो गए एक प्रकार से। तो लेकिन बलि का धैर्य नहीं टूटा, अब उन्होंने कहा कि तीन ही क्यों मांगा, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, दो मांग लेता कदम, चार मांग लेता, तीन मांगा, इससे लगता है कि ये वामन वो जो श्रुति है उसी का अवतार है। हम कहते हैं ना कि श्रुति का अनुकूल अवतार होता है, पूज्यपाद महाराज जी कहते थे तद दूरे तदवंती के, ये रासलीला का सूत्र है, इसी को उन्हीं से पहले सुना था, तद दूरे तद्वंत के, उसको हमने 10-5 उदाहरण में ढाला, जिनसे जो मिलता है उनका नाम ले लेता हूँ। तो विद्या फलवती होती है। मुक्षुर वैशरण महा प्रपद्य इस श्रुति के आधार पर दत्तात्रेय जी का अवतार होता है। किसी योग्य शिष्य को योग्य गुरु न मिले तो भगवान दत्तात्रेय का अवतार इसलिए है कि उसके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसको ज्ञान दे देना। मुक्षुर वही शरणम शरण महम प्रपद्य परीक्ष लोकान श्रुति के आधार पर परीक्षित का अवतार। इसी प्रकार से अब वो वामन भगवान के सामने झूठ नहीं बोले, झूठ बोलने का अवसर था, झूठ बोल के संपत्ति बचा सकते थे, कष्ट से बच सकते थे, अहिंसा अस्तेय। तो चोरी करने के लिए धन आजकल ऑफिसर आदि होते हैं, अरबों पर हाथ मार देते हैं, करोड़ों अरबों पर हाथ मारने का अवसर हो फिर भी एक पैसा नहीं मारें, जो अपना अधिकार का है उतने लें। अचौरी की प्रतिष्ठा है तब अचौरी की प्रतिष्ठा से क्या हुआ, रत्नों सर्व रत्न का उपस्थान प्राप्ति, योग दर्शन में लिखा है। हमारे हृदय में चोरी न करने का भाव है, किसी के हक को न खाने का, तो उससे हमको धन मिलेगा। अब उल्टी बुद्धि हो जाएगी, चोरी नहीं करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, यहाँ है चोरी करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, आया हुआ धन भी चला जाएगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है तो हमारे धैर्य को डिगाने के लिए नहीं, हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए, हमको हम कितने पानी में हैं, सुंदरियों का आकर्षण होगा फिर भी धैर्य न टूटे, सुंदरियाँ उपस्थित होंगी फिर भी धैर्य न टूटे। तो अपरिग्रह, अपरिग्रह का फल बहुत ऊंचा दिया है उदर्शन में, पूर्व जन्म की स्मृति, हमने जो परिग्रह कर रखा है वही हमारी मंद दृष्टि में हेतु है। अपरिग्रह से क्या होता है, आसक्ति विहीन अहमता ममता विहीन या दूसरों की ये खूब धनाढ्य बनने की इच्छा जो होती है पशुतुल्य बना देती है ना। जब व्यक्ति को रिश्तेदार नातेदार क्या समाज की भूख न व्यापे
भोजन के समय से ध्यान आता है कि हजारों व्यक्ति दाने दाने के लिए स्वयं मोहताज हैं, कम से कम भगवान के से यही तो प्रार्थना करें आपको जो मैंने भोजन निवेदित किया उसे आप विश्वात्मा हैं, विश्व की तृप्ति हो जाए तो कर सकते। फिर धन कब बढ़ता है? जब रिश्तेदार नातेदार की भूख प्यास भी न व्यापे। फिर धन कब बढ़ता है? पत्नी है, नज़दीक के व्यक्ति हैं, माता पिता, उनकी भूख प्यास न व्यापे। फिर ज़्यादा धन कब होता? अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं, बटोरे जाओ बटोरे जाओ। संग्रह जितना किया ना उतने देहात्मवाद बढ़ेगा। अपरिग्रह से क्या हुआ? पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त होगी। तो परिग्रह करने का अवसर प्राप्त होने पर भी परिग्रह का भाव ना आवे। अच्छा, लक्ष्मण जी के हृदय में जननी जनक बंध सुत धारा तन धन भवन सुरित परिवार, राम जी के लिए दसों समर्पित करने की जो क्षमता थी वो जब तक भगवान वनवासी ना होते तब तक वो प्रकट कैसे होती? अयोध्या में तो ही नहीं सकती। तुम्हारा ही भाग राम बन जाही, जब पुरियावाज के भरतचरित कहते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि बाहर जो कोई शत्रु दिखता है उसको हम शत्रु मान लेंगे तो गए। बाहर जो शत्रु दिखता है शत्रु नहीं है, तब तो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त रामकृष्ण ही होंगे। जो जितने बड़ी हस्ती होती है, जितने बड़े अवतार होते, प्रहलाद के सामने उतनी संकट क्यों आया उतना? उनके हृदय की निष्ठा जो है वो हिरण्यकश्यप के रूप में व्यक्त है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो व्यक्ति का दैव की देवी संपत्ति प्रकट होगी, यानी अहिंसा की प्रतिष्ठा जो है हमारे हृदय में है उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? हिंसकों के माध्यम से। ये हमने बताया तो जिसको हम समझते हैं कि पाप का फल है, अवरोधक का ये मेरा शत्रु है, ना ना वो तो हमारे इसलिए अभिव्यंजक के रूप में वो अभिव्यंजक के रूप में आया। हाँ, अब साथ वालों कहते हैं, मान लीजिए एक शंकराचार्य हैं, वो जब मैं इस पद पर नहीं था उसे 5-7 साल पहले से अपहरण करवाने का, मरवाने का और क्या क्या नहीं प्रयास किया, स्वामी जी को कलंकित करने का, हमको कलंकित करने का, दिन रात उनके चिंतन का विषय, उनका चलवा भी ऐसे हुआ है। उनका विषय ही यही है कि हमारे पीछे लगाए रखते हैं, पीछे भूत प्रेत के समान लगे रहते हैं। वहाँ भी जो कब्जा हुआ, चूँकि मैं ट्रस्टाधिपति था और कोई होता तो नहीं, वो घुसने का प्रयास 30 साल से कर रहे थे वृंदावन में, 25 साल से पन अच्छा अवसर मिल गया। तो हम कहते हैं कि हम लोगों के हृदय में जो धैर्य है, दैवी संपत्ति है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए ऐसे महापुरुष प्रकट हुए। तो हमारे साथ वाले क्यों सबकी स्थिति है, जो सबसे तो सब बात नहीं की जाती ना, निकेश जी आजकल ना स्वामी जी तो हैं, बाकी तो सेवा आदि में लगे रहते हैं, सबका भाव बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि बाहर भी तो ये जो हम जिसको अवरोधक समझते हैं, अवरोधक नहीं अभिव्यंजक हुए ना क्या जी, जिसको हम अवरोधक समझते हैं, और हमारी सहिष्णुता कितनी है कि फिर भी एक पदाधिकारी कला है, यही उनके वकील हैं, जो वो चला था नकली के साथ, वो भी बैठ गए थे, मुझे एक बाबा ने बुलाया था नकली, तो क्यों आना चाहते हम नकाबे, तो हमने तो कोई रोष मन से बाहर से नहीं प्रकट किया, खूब बात की एक घंटा, अभी सोचता हूँ ये कैसा व्यक्ति है। तो उसका कारण क्या है कि हम अवरोधक नहीं समझते, हम अभिव्यंजक समझते, व्यवहार बनारी ढंग से काम भी नहीं करते। हमारी बातें यहीं से हमने निकाला, तत्व सत्वम निर्मलत्व, कोष की परिभाषा हमने इसे भगवत की प्रश्न निकाली, तत्व सत्वम निर्मलत्व प्रकाशक बनामयम अभिव्यंजकता है। आगे क्या है? ज्ञान संगे ने बधनाती, ज्ञान संगे ने चानगा, ये निबंधकता अवरोधकता है। अवरोधकता का शोधन हो जाता है तब तो जीवन मुक्ति है। और अभिव्यंजकता अवरोधकता दोनों का दर्शन हो जाता है, विरह मुक्ति। अभिव्यंजक भी नहीं रह जाए, अवरोधक भी ना रह जाए, अवरोधक का शोधन हो गया तो जीवन मुक्ति। अभिव्यंजक सहित अवरोधक, अवरोधक सहित अभिव्यंजक, अवरोधक तो पहले निरस्त हो गया, अभिव्यंजकता देहांधी प्राणांतकरण से भी पिंड छोड़ गया, विदेह मुक्ति यही हुआ ना। इससे क्या होता है? व्यवहार सुमंगल होता है। अब वो पढ़ते पढ़ाते समय वेदांत आता है, उसके सूत्रों को या
व्यवहार उतारने की विधा लुप्त हो गई, इसलिए निष्ठा नहीं होती, जीवन में दिव्यता नहीं आती, हो गया।